दरबार जाओ, इस हमारे गांव समाज की सखियों को, औरतों को बुला लाओ, क्योंकि एक संतान के लिए मेरे स्वामी परेशान थे, एक संतान मेरे नहीं हो रही थी, आज दो दो संतानें मेरी कोख से उत्पन्न हुए हैं। इस खुशी में सोहर मंगल होना चाहिए और रुपया पैसा सबको निछावर करो। हर बंसी जो बाजी मोरे रंगे महले बंसी जो बाजी मोरे रंगे महले सासु दुआवे चरवा चरणी को दासियों। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या है आई बिटिया? जब पकड़े लाग तो हमरे सुपतन मिया तो हम का बड़ा नीक लाग और तो कई चप्पते काट ली सो तीन ढेड़ी बैल कहूं क्या। ए मैं आपसे अपने बच्चे की खुशी में कुछ कहना चाहती हूँ। सूठ के लड्डू चर पर हो, सूठ के लड्डू
जठानी जी क्या कहती हैं, अंगना में ठाड़ी जठानी मोरी मांगे, अंगना में ठाड़ी जठानी मोरी मांगे, बहन जरा दे दो कसबाने हो सौंठ के लाडू, कसबाने हो ए आधा दियत मोरी अंगूरी दुखत है, आधा दियत मोरी अंगूरी दुखत है, सपरो दियो नहीं जाए पसेरनी नमा, यूं पड़ा हो चुहारे मेवा, सब पड़ा हो सौंठ के परेशान थे और मेरे कोख से दो दो पुत्र उत्पन्न हुए। ये तो भोलेनाथ की कृपा है। अरे द्वारपाल, आज तू ये क्या ढकोसला मनाए हुए? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हे महाराज, लेकिन मेरे दो पुत्रों में एक ऐसी खासियत है, नहीं दोनों के हाथ में, दाहिने हाथ में एक के हाथ में चक्र का निशान है, दूसरे के हाथ में त्रिशूल का निशान है। तो अरे मंत्री दौलत सिंह, तुम नहीं जानते जिसके हाथ में त्रिशूल का निशान बना हुआ है उसके हाथों से हमेशा विजय प्राप्त होती है, और जिसके हाथ में चक्र का निशान बना हुआ है वो हमेशा चक्रवर्ती राजा कहलाता है। हाँ हाँ, जाओ जाओ, महारानी और बांदी जरा इन बच्चों का ख्याल रखना, और मैं आज अपना प्रण पूरे करने जा रहा हूं जो मैंने मंदिर बनवाया था भोलेनाथ का, और उसमें ताला डलवा दिया था कि जब तक इस राजमहल में कोई संतान नहीं होगी तब तक इस मंदिर में पूजा नहीं होगी। आज मैं पूजा करने की तैयारी करके चल रहा हूं। ठीक है प्राणनाथ, और इन बच्चों का ख्याल रखना, जल्दी ही आना पूजा करके। पता नहीं क्या हुआ, मेरे महाराज मेरे सामने से निकले हैं, गए हैं, उन्हें दिल ले गए था, मेरे मुझसे दूर रहे, मेरे पास रहे, मेरी दाहिनी आँख फरक रही है। बिनू मांदी क्या करूं, कहते हैं औरतों की दाहिनी आँख फरके तो कोई असगुन अवश्य होता है। सब भोले भोलेनाथ ऊपर वाले जी जाने मेरी समस्या का समाधान करना, कोई कोई दुख तकलीफ मेरे स्वामी पे मुसीबत विपत मत आए, ना हम पे आए ना बच्चों पे आए, हे भगवान रक्षा करना। चलो बांदी। जीवे लाल हो रिलवा अब तुमरा, जीवे लाल हो रिलवा, जीवे लाल हो रिलवा अब तुमरा, जीवे लाल हो सिंह पूजा करने के लिए जा रहे हैं उसी मंदिर में, आज महाराज का हमें खून कर देना चाहिए, उसे गोली मार देना चाहिए। जब महाराज मर जाएंगे उसके बाद इनके बच्चों को तो ऐसी मौत मारूंगा, एक बार वो पैदा होने पर अपने अफसोस। चलू और अपना प्रण पूरा करूं।
हे घनश्याम, मैं आज तुम्हारे दरबार को आ रहा हूं। घनश्याम तुम्हारा घर मुझको एक बार नजारा हो जाता। घनश्याम तुम्हारा घर मुझको घनश्याम क्लास ऐसी जगह पर डाल दो ताकि इसे चीनी को भी मौत कर खा सके और महामंत्री दौलत सिंह को दुआ दे लेगा। भाई हमारे हाथ ले थरे हम ताज न उतार पाए भाई। क्यों? हमारे हाथ गंदे हैं ना। ठीक है, हम उतारने जा रहे हैं। आप उतारो हमारे हाथ। अंकिल को ऐसा गुण न होने पाए। का करें यार, जुखाम हमरे है ना, छींक आ गए तो हम का करें। परेशान था, आज यह ताज हमारे हाथ पे आया है। अब मैं इस राज का महाराज कहलाऊंगा, फिर हमारी यहां पर हुकूमत चलेगी। सुअर हैं, अंदाता हैं। द्वारपाल जल्दी फौरन आओ मेरे पास, मैं आज बहुत खुश हूं। लेकिन मेरे स्वामी मंदिर को गए थे, शिव मंदिर को पूजा करने के लिए, अभी तक वापस नहीं आए। अरे द्वारपाल, महारानी जी गजब हो गया। चुप रहो, गजब क्या, गजब क्या सितम। महारानी मेरी बात सुनो। सभी प्रजा खुशहाल हैं, मेरे संतान उत्पन्न हुए मेरे कोख से, सभी खुश हैं। लेकिन आप रो क्यों रहे हैं? रो रहे हैं, मेरी बात तो सुनो महारानी। क्या बात है? महाराज का खून हो गया। चुप रहो, ये सब झूठ है। मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं करती हूँ। Thank you.
क्यों बांधी? जब कभी मेरे पास आती थी खुश नजर आती थी, आज क्यों गुमसुम खड़ी है? क्या बात है तुम्हारे आंखों में? महाराज का खून हो गया। क्या झूठ है? मेरे महाराज का खून नहीं हो सकता। किसने खून किया मेरे महाराज का? ये सब कह तो झूठ है। मेरे स्वामी तो मंदिर को गए थे पूजा करने के लिए, पर उन्हें मार दिया। मारा कौन? मार दिया? किसने मार दिया? आखिर मेरे स्वामी क्या बिगाड़ा था? गांव समाज का क्या बिगाड़ा था जो मेरे महाराज महाराज का जान से मार दिया? कौन है? कौन है दुश्मन? किसने मारा मेरे महाराज को? बोल। दौलत सिंह ने मारा है। हमारे राजघराने का दौलत सिंह, वो गद्दार मंत्री, टुकड़े पे पलने वाला, आज इस दिन का छाप बन बैठा है। नहीं, ऐसा नहीं। मेरे मुंडे दोनों मुंडे को मारना चाहता है। एक मेरा कार्य कर दे बिनु बांधी। अरे मेरी बात सुनिए, ये मुझसे वादा करो कि मेरे बच्चों पर आंच नहीं आने देगी, चाहे तुम्हारी जान क्यों ना चली जाए। मेरे बच्चों पर आंच नहीं आने देना। लो बिनु बांधी, मेरे बच्चों को संभाल। बिनु बांधी मैं देती हूँ अपने ललन। बिनु जा अपने घर, मंत्री दौलत सिंह से बचा के रखना ही रे, गलत राहों पे बांधी जलाना नहीं। जाते समय एक बात ध्यान से सुन लो मेरी बिनु बांधी, ये वादा करो मुझसे कि मेरे दो बच्चों पे आंच नहीं आने देना, परवरिश करना, मेरी चिंता मत करना। या तो मैं रहूंगी या तो गद्दार मंत्री रहेगा। आप भी साथ चलिए हे महाराणी जी, ये जगह देखो खतरे से खाली। कैसे कैसे सब्र कर सकती हूँ? तुमको देती हूँ वचन में उन्हें निभा। मैं तुम्हारी मौत बनकर आ रही हूं, मेरी आज शमशीर से बच नहीं सकता है। अकेले छोड़ के स्वामी को नहीं। अकेले छोड़ के